सौ बार टूटने पर भी हारा नहीं हूं मैं, सौ बार टूटने पर भी हारा नहीं हूं मैं, मिट्टी का एक चिराग हूं, तारा नहीं हूं मैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस चैनल पर। देखिए जीके के लिए जो हमने आपसे वादा किया था, स्टैटिक जीके के लिए आपकी सबसे ज्यादा मांग थी स्टैटिक जीके, तो जो सुझाई थी और सबसे ज्यादा जो पसंद की गई है जो बुक है एएसओ पब्लिकेशन वाली, ये जो स्टैटिक जीके है रामबाण, हम देखिए हमने सोचा है कि इसे एक एक टॉपिक के हिसाब से इसे पूरी कंप्लीट कराया जाएगा। देखिए इसका जो पहला टॉपिक है नदियां दे रखी हैं, इसमें क्या दे रखा है, भारत की नदियां दे रखी हैं और नदियों में ऐसा है अब तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बने हैं जिस भी नदी से जिस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने हैं इसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, और बाद में प्रैक्टिस भी दे रखी है। यदि आपने बुक ले ली है तो अच्छी बात है। और देखिए इसमें एक चीज है, इसमें जो है लगातार दे रखी हैं चीजें, मतलब कभी कोई कोई किसी नदी के बारे में देखा दे रखा, कभी किसी नदी के बारे में दे रखा है, लेकिन हम एक अलग काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क में क्या है, हम एक नदी के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे जो इसमें दे रखा है, ठीक है, एक एक से करेंगे। देखते हैं सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें देखोगे, इसे एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए दो या तीन मिनट की एक नदी रहेगी हमारी, इसे पढ़ने के बाद में आप फिर किताब को पढ़िए, एक भी क्वेश्चन आपको छूटा हुआ नहीं मिलेगा नदियों से, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं, देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है, कितनी है लंबाई, 2900 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं इसका उद्गम स्थल कहाँ है, इसका उद्गम स्थल है तिब्बत का मान, तिब्बत की मानसरोवर झील है, कहाँ है तिब्बत में, कहाँ है मानसरोवर झील, इसका उद्गम स्थल है, कई क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। उसके बाद देखेंगे इसके नाम से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका कहां पर क्या नाम है। देखिए सबसे पहले देखते हैं जो तिब्बत में, जो तिब्बत से निकल के तिब्बत में से जाना जाता है सांगपो के नाम से, किसके नाम से जाना जाता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, सांगपो नदी कहा जाता है। उसके बाद जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसे कहा जाता है क्या, देहांग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देहांग क्यों कहा जाता है, क्योंकि अरुणाचल में जब प्रवेश करती है तो अरुणाचल में एक गार्ज है, क्या है, देहांग गार्ज, क्या नाम है उसका, देहांग गार्ज, उस गार्ज के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और एक और है अरुणाचल में ही इससे एक नदी मिलती है देहांग नदी, ठीक है, इन दोनों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है अरुणाचल प्रदेश में, देहांग नाम पड़ गया है। उसके बाद इसका नाम देखेंगे ब्रह्मपुत्र कब पड़ता है, इसका नाम जो ब्रह्मपुत्र है वो पड़ता है असम में जाकर, जब ये असम में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जमुना, जमुना कब होता है, जब यह नदी, जब जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, कहां प्रवेश कर जाती है, जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। उसके बाद देखेंगे पद्मा कब होता है, पद्मा जब होता है, जब देखिए गंगा, जब गंगा देखो जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, और जब यह गंगा की जो पद्मा वाली धारा है जब यह सिंधु नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, पूरी धारा का नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पद्मा, बता दिया पद्मा, पद्मा का फोड़ता है गंगा से मिलने के बाद, गंगा से मिलने के बाद बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। उसके बाद देखेंगे उसके बाद देखेंगे इसका नाम मेघना कब पड़ता है, देखिए मेघना नाम जब पड़ता है जब ये देखिए बांग्लादेश में आकर इससे क्या होता है, हमारे मणिपुर से, मणिपुर से एक नदी निकलती है मेघना, मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या होता है, मेघना या दूसरा नाम होता है इसका बराक नदी, ठीक है, मेघना या बराक नदी, जब यह मेघना या बराक नदी, मेघना या बराक नदी जब यह इस धारा में मिलती है पद्मा में मिल जाती है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघना पड़ जाता है, क्या नाम, जब यह मेघना नदी या बराक नदी, मेघना नदी जब पद्मा धारा में मिल जाती है, पद्मा धारा में मिल जाती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघना पड़ जाता है। और बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है ना ये धारा, संयुक्त धारा इसकी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह किस नाम से गिरती है, मेघना के नाम से गिरती है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बांग्लादेश जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरते समय इसका जो ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम होता है, क्या नाम होता है भाई, मेघना नाम होता है, बता दिया मेघना किस वजह से है, मणिपुर से क्या नदी निकल कर आती है जो कि इसमें आकर मिलती है तो उसकी वजह इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघना पड़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया गंगा का नाम, गंगा हम अलग से पढ़ेंगे, गंगा का नाम बदलना आपका बांग्लादेश में क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा आगे देखते हैं इसके बारे में किन तीन देशों के बीच में, तीन देशों में जो प्रवाहित होती है, देखिए ये इंटरनेशनल नदी है भाई, अंतरराष्ट्रीय नदी है, इसके जो तीन देश, देखिए सबसे पहले कहां से निकलती है, चीन से निकलती है तिब्बत से, उसके बाद भारत में आती है, उसके बाद कहां जाती है, बांग्लादेश में जाती है, तो अंतरराष्ट्रीय नदी है ये। उसके बाद और फैक्ट देखें, अच्छा इसकी सहायक नदी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसी से नहीं बाकी नदियों से भी, इनकी सहायक नदी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जितनी भी पूछी जाती है हम सभी को क्लियर कराएंगे। देखिए सहायक नदी में देखें,
सहायक नदी में एक है इसकी सुवनश्री नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुवनश्री ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह देखिए कहां से, यह तिब्बत के पठार से निकलती है, फिर अरुणाचल में जाती है, उसके बाद असम में आकर इसमें मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। कहां पर आकर? असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी है? सुवनश्री नदी। उसके बाद दूसरी है, देखिए एक नदी है दिहांग, मैंने जो बताया इसका नाम जो आपका दिहांग पड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और दूसरी है लोहित नदी, दोनों अरुणाचल प्रदेश में आकर मिलती है इससे। कौन सी? दिहांग और लोहित नदी। अगली है मानस नदी, मानस नदी जो कि भूटान से आकर मिलती है, और अगली है तिस्ता नदी जो कि सिक्किम क्षेत्र से आकर मिलती है। तिस्ता कहां से? सिक्किम से, और मानस नदी कहां से? भूटान से। आपकी दिहांग और लोहित अरुणाचल प्रदेश से आकर मिलती है, ठीक है। उसके बाद है धनश्री नदी, एक और नदी इसकी धनश्री कहीं और पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में फैक्ट देखेंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें एक द्वीप स्थित है जिसका क्या नाम है? माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप, जो कि असम क्षेत्र में स्थित है। देखिए जो माजुली द्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? नदी द्वीप है। देखो द्वीप कैसा होता है, जैसे मान चलिए आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बहकर आ रही है तो यहाँ पर रेत जमा हो जाता है, एक टीला बन जाता है। क्या बन जाता है? एक टीला बन जाता है, मान चलिए इस पर लोग रहने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो द्वीप है, क्या नाम है? माजुली नाम है इसका। तो ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहां पर स्थित है? असम में स्थित है, ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका नाम दर्ज है। उसके बाद देखते हैं पुल, देखते हैं इस पे एक पुल है जिसका नाम क्या है? ढोला सदिया पुल। क्या नाम है? ढोला सदिया पुल। यह देखिए सबसे बड़ा नदी पुल है। सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? ढोला सदिया पुल, ठीक है। ढोला सदिया पुल कौन सा है? सबसे बड़ा नदी पुल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। क्या है? भारत की सबसे चौड़ी नदी है। एक बार रिवाइज करेंगे दोबारा से, लंबाई 3800 किलोमीटर, उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से। नाम देखिए सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, पद्मा और मेघना। बता दिया किस किस कारण कहां कहां पर आकर इनका नाम पड़ता है। उसके बाद देखिए सहायक नदी है इनकी, सुवनश्री सबसे बड़ी अरुणाचल और असम में आकर मिलती है, दिहांग, लोहित, आपकी मानस, तिस्ता और धनश्री, ठीक है। द्वीप बता दिया आपका कौन सा? माजुली द्वीप, और उसके बाद पुल बता दिया ढोला सदिया पुल, और भारत की सबसे चौड़ी है, और किस किस देश में होकर जा रही है? चीन, भारत और बांग्लादेश। इसी प्रकार हम देखिए यह पहली वीडियो हमारी, इसी प्रकार हम अन्य नदियों की भी देखिए कंबाइन करके लेके आएंगे कई सारी नदियों को, ठीक है। हमने एकमात्र आपके सजेशन के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, आप अपना सजेशन दीजिए, ठीक है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।